ये महागठबंधन में जो हमने भी न्यूज़ में देखा है कि कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, उस सबसे वर्चुअल सम्मेलन पर बात करेंगी। महागठबंधन जो है वो बेंग का जमात है, तो कितना बेंग तौलिएगा, तौलते रहिए। हर आदमी वहाँ बार्गेन करने के चक्कर में, हर आदमी जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल में टिकट बिकता है, टिकट खरीदा जाता है, इसलिए कहाँ आप इस सब चक्कर में है, ये सब कुछ नहीं होना है। लोकसभा के चुनाव में बड़ा लोग उड़ रहे थे, खाता नहीं खुला। विधानसभा के चुनाव में मैंने पहले भी कहा पुनरावृत्ति होगी, जितना वर्चुअल सम्मेलन करना है करते रहा। तेजस्वी जी का तो हम कोई मान ही नहीं रखता, इसलिए कि जो आदमी अखंड अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ हो, उसको बिहार के विकास की बात, बिहार के कल्याण की बात करने का कोई अधिकार नहीं, जिसको विकास से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए तेजस्वी जी का बात का तो हम कोई मतलब ही नहीं मानते। हाँ, जगदानंद सिंह जी का भी बयान हमने देखा है। जगदानंद सिंह जी ने कहा कि धन बल के बल पर तोड़ा गया। अरे भाई जगदानंद जी, जरा अपने गिरेवान में झांक के देखिए ना, आप जिस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं उस पार्टी में राज्यसभा का टिकट बिकता है, विधान परिषद का टिकट बिकता है, विधानसभा का टिकट बिकता है, और विधानसभा के टिकट बिकने के साथ साथ हमको कई लोगों ने बताया कि उनको टिकट मिल गया, सिंबल नहीं दिए लालू जी, और कहे कि कुछ और माल दोगे तब ना सिंबल देंगे। जिस पार्टी की संस्कृति धन बल पर है उसके प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की बात करें, नीतीश कुमार जी को बिहार नहीं देश और दुनिया के हर आदमी जानता है। देश के अगर कुछ ईमानदार नेतृत्व तो अगर कोई है तो उसमें नीतीश कुमार जी हैं, और हम लोगों को गर्व है, इस बिहार की जनता को गर्व है कि नीतीश कुमार जी इस बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आप शर्म करिए, धर्म बल धन आप अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं कहते हैं कि बिना पैसा का टिकट बिकेगा मिलेगा इस पार्टी में। तो इसलिए ये सब बेकार बात है। हाँ, दूसरी बात हमने उनका देखा, कहे कि 4 महीना का इंतजार कीजिए, हमारा वोटर खेत खलिहान में रहता है। अरे भावना भड़काने वाला काम लालू जी बहुत किए, वो सब खत्म हो गया, वो समय लग गया। नीतीश कुमार जी ने बिहार की राजनीति में नई संस्कृति पैदा की है, भावना भड़का के नहीं, काम करके वोट मांगना, काम के बल पर वोट मांगना, सेवा के बल पर वोट मांगना, ये नीतीश कुमार जी ने बिहार में नई संस्कृति पैदा की। नीतीश कुमार जी ने भावना भड़काने का काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि न्याय के साथ विकास, समाज के हर तबके के साथ न्याय होगा और बिहार का विकास होगा, जो हो रहा है दिख रहा है। आप अपने यहाँ देख लेना, जगदानंद सिंह रामगढ़ जाते हैं, रामगढ़ का रोड यही था क्या? 15 साल तो बिहार के मुख्यमंत्री थे ना, सिंचाई मंत्री, कहने रोड बनवा लिए थे। दुर्गावती परियोजना उनके क्षेत्र में है ना, कहने बनवा लिए थे। तो इस बेकार की बात है, शर्म करना चाहिए। जनता तैयार है, लोकसभा का परिणाम लोगों ने देखा है, पुनरावृत्ति होगी विधानसभा के चुनाव। और तीसरी बात उन्होंने कहा, जगदानंद जी इस बिहार की राजनीति में कुछ एक लोग हैं, आप लोगों को शायद पता हो कि नहीं हो, बिहार की राजनीति में जगदानंद सिंह जी जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे और जगदानंद सिंह जी उनके मंत्री थे, हम लोग उसके गवाह हैं। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री को सर 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 कहने की परंपरा उन्होंने लागू की, हर एक सेंटेंस के बाद 3 बार सर कहते। तो राजनीति में एक भक्त होता है, राजनीति क्या समाज में ही एक भक्त होता है और एक फांट होता है। तो भक्त तो वो नहीं है, बाकी वो क्या है वो अपना तय कर।